आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम व्याख्या शास्त्र के उपकरण के विषय में सीखेंगे। व्याख्या शास्त्र के उपकरण का मतलब ये है कुछ ऐसे हथियार या कुछ ऐसे औजार व्याख्या करने वालों के पास होना चाहिए जिसके द्वारा बाइबल की व्याख्या करने में आसानी हो सकती है। व्याख्या शास्त्र के उपकरण के बारे में अध्ययन करने से पहले हम बाइबल के भागों को समझने का तीन तरीका देखेंगे। मेरे शिक्षक डॉक्टर जेकब चरियन इसे सेब, केला और नारियल के नाम से पुकारते हैं। आइए हम देखेंगे कि ये सेब, केला और नारियल है क्या। सबसे पहला, बाइबल के कुछ भाग एक सेब की तरह होते हैं। हम सब जानते हैं सेब यानी के एप्पल। अगर हमें सेब खाना है तो हम क्या करते हैं प्रियो, हम सेब को साफ करते हैं और हम सीधा सीधा उसे खा लेते हैं। हमें सेब को पकाने की जरूरत नहीं है, सेब खाना बहुत आसान है। अगर हमें भूख लगे तो हम सेब खा सकते हैं। डॉक्टर जेकब चिरियन का कहने का मतलब ये है कि बाइबल के कुछ भाग एक सेब की तरह होते हैं। यदि हम तत्काल संदर्भ को देखने के लिए कुछ प्रयास करें तो उन्हें समझना आसान है। उदाहरण के लिए इफिसियों 5:25, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, ये वचन कितना सरल और स्पष्ट है। इसे समझने के लिए हमें कोई भी औजार की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेब की तरह साफ है, इसे सीधा सीधा हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण है मत्ती 5:44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये वचन भी बहुत ही सरल और स्पष्ट है। इसमें यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है और जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस वचन का अर्थ समझने के लिए हमें कोई भी औजार की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेब की तरह है, हम सीधा सीधा इसका मतलब समझ सकते हैं। मरकुस 10:25, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह वचन भी बिल्कुल सेब के समान सरल और स्पष्ट है। यह वचन हमें सिखा रहा है कि धनी लोगों का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने धन से प्यार करते हैं। दूसरा, बाइबल के कुछ अंश केले जैसे हो सकते हैं। यदि आपको बाइबल के कुछ ऐसे भागों को समझना है तो यह महसूस करने की आवश्यकता है कि इसमें एक संस्कृति शामिल है। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? जब तक हम उस पद के सांस्कृतिक भाग को नहीं समझेंगे तब तक हम उस वचन का या उस पद का अर्थ पूरा पूरा नहीं समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए यूहन्ना 15:1, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। अगर हमें इस वचन को समझना है तो हमें पुराने नियम के उस सांस्कृतिक ढांचे में इस वचन को समझना होगा, क्योंकि इजरायली लोग समझ सकते हैं इस वचन के मतलब को। यानी कि यीशु मसीह जब कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, उनका तात्पर्य कहने का ये है कि सच्चा इजरायली मैं हूं। दाखलता यहां पर इजरायली को दर्शा रहा है, यानी कि यीशु मसीह कहना चाहते हैं सच्चा इजरायली मैं हूं। तो इस बात को हम पुराने नियम के उस संदर्भ में समझ सकते। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जो कि लूका 10 में पाया जाता है, एक अच्छे सामरी का दृष्टांत। जब यीशु मसीह ने अच्छे सामरी का दृष्टांत दिया, उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक कहानी को बताया जहां पर उन्होंने कहा कि एक जख्मी व्यक्ति था और उसको मदद करने वाला एक सामरी था। आपको समझने की जरूरत है कि क्यों यीशु के कहानी में यीशु ने एक सामरी को वहां पर हीरो बनाया या उसको उस कहानी का सबसे मुख्य पात्र बनाया, और उस कहानी में एक सामरी वो इजरायली की मदद कर रहा है। अगर आपको इसका अर्थ गहराई से समझना है तो उसके सांस्कृतिक भाग को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके सांस्कृतिक भागों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजरायली और सामरी
दोनों की आपस में पटती नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूं तो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान कुछ ऐसे ही रिश्ता था इजरायली और सामरी लोगों के बीच में। यह जानते हुए भी, जानबूझकर यीशु मसीह ने अपने कहानी का कदापात्र या मुख्य पात्र उस सामरी को बनाया, और इस बात पर उसके सुनने वाले समझ गए और वो चिढ़ गए कि उन्हें किसका पड़ोसी बनना है। तो मेरे प्रियो, कई बार बाइबल के कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जिसको समझने के लिए हमें उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, उसके भाग में हमें जाना जरूरी है। जिस प्रकार एक केले को खाने के लिए पहले उसका छिलका हमें निकालना पड़ता है, तभी ही हम उसके अंदर का फल खा सकते हैं। हम केले को उसके छिलके के साथ नहीं खाते हैं, उसका छिलका निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम उसका फल खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बाइबल के कुछ भाग इस प्रकार होते हैं, जब तक हम उनके सांस्कृतिक छिलके को या भागों को हम नहीं समझेंगे, उसके असली अर्थ को हम समझ नहीं पाएंगे। तीसरा, बाइबल के कुछ अंश नारियल की तरह भी होते हैं। नारियल के खाने योग्य भागों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बाहरी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें नारियल खाना है या नारियल का फल खाना है, तो हम उसे सीधा सीधा नहीं खा सकते। हमें कुछ औजार चाहिए जिससे हमें पहले नारियल को तोड़ना पड़ेगा। नारियल को तोड़ने के बाद ही उसके अंदर का रस हम चख सकते हैं या उसके फल को हम खा सकते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर चिरियन कहते हैं कि बाइबल के कुछ भाग भी नारियल के समान होते हैं। उसे समझने के लिए, उस पदों का अर्थ समझने के लिए हमें कुछ बाहरिक औजार की, बाहरिक मदद की जरूरत पड़ती है उन पदों को समझने के लिए। उदाहरण के लिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के साथ हमें कठिनाइयों का सामना करने का कारण यह है कि हम प्रकाशित वाक्य के लेखन के प्रकार से अपरिचित हैं। प्रकाशित वाक्य का जो शैली है वो एक साहित्यिक शैली है जिसको हम एपोकैलिप्टिक लिटरेचर कहते हैं। मेरे प्रियो, हमारे आज के समय में हम एपोकैलिप्टिक लिटरेचर से ज्यादा वाकिफ नहीं है, लेकिन पहली शताब्दी के लोग इस शैली से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि ये शैली बहुत ही प्रसिद्ध था। तो इसका मतलब ये है, अगर हमें प्रकाशित वाक्य का पुस्तक सही मायने में समझ में आना है, तो हमें यह समझना होगा कि अपोकैलिप्टिक लिटरेचर क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और वो किस प्रकार की एक शैली है, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक उसी ढांचे में, उसी शैली में लिखी गई है। इसी को कहते हैं बाइबल के भाग कुछ नारियल के जैसे होते हैं। जब तक हम उसके बाहर, बाइबल के बाहर जाकर औजार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, आज इस अध्ययन में हम व्याख्या के 8 उपकरण देखेंगे। आप पूछेंगे, ये कौन से औजार हैं जिसको मैं इस्तेमाल करके बाइबल की व्याख्या कर सकता हूं? तो आज के हमारे इस अध्ययन में मैं आपके सामने बाइबल के 8 उपकरण, व्याख्या के 8 उपकरण आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला, मातृभाषा में बाइबल। मेरे प्रियो, हमारी मातृभाषा में जो हमारा बाइबल है, वो हमारे बाइबल को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। ज्यादातर लोग जो है वो अंग्रेजी बाइबल या हिंदी बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस भाषा में हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कई बार हमारा अपना स्थानीय भाषा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे भारत में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और ये अलग अलग भाषाओं में बाइबल की व्याख्या उपलब्ध है या बाइबल का अनुवाद उपलब्ध है। तो मेरे प्रियो, अगर मैं हिंदी भाषा बोलता हूं तो मैं अंग्रेजी बाइबल पढ़कर मैं उसका मतलब नहीं समझ पाऊंगा। इसीलिए मुझे, भले मैं अंग्रेजी बाइबल पढ़ूं, तो भी मुझे हिंदी भाषा, जो मेरी भाषा है, उसमें मुझे बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मातृभाषा में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से बाइबल समझ में आएगी। तो मातृभाषा में जो बाइबल है वो सबसे पहला महत्वपूर्ण हथियार है जो एक बाइबल व्याख्या करने वाले के पास उपलब्ध है। दूसरा हथियार है अन्य भाषाओं में भी बाइबल, बाइबल का अलग अलग भाषा का अनुवाद, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ऐसे अलग अलग भाषाओं में भी बाइबल
का अनुवाद पाया जाता है। अगर हमें बाइबल को और अच्छी तरह से समझना है तो हमें बाइबल को अन्य भाषाओं में भी हम उसे पढ़ सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में भी बाइबल पढ़ सकता हूँ और मैं अंग्रेजी बाइबल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जब मैं बाइबल को एक भाषा से ज्यादा भाषाओं में पढ़ता हूँ तो उसका अर्थ और ज्यादा मुझे समझ में आता है। मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ जो पाया जाता है उत्पत्ति उसका 4:4 में। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया। 5वां पद, परंतु केन और उस भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहां पर हम एक घटना को पाते हैं जहां पर परमेश्वर ने आबेल के उस बलिदान को स्वीकार किया और काइन के उस बलिदान को तिरस्कार किया। आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं, वहां पर लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने काइन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया तो काइन के मुंह पर चेहरे पर उदासी छा गई। और यही बात को जब मैं उर्दू बाइबल में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा जो शब्द वहां पर लिखा हुआ है। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि कैन अति क्रोधित हुआ और उसका चेहरा बिगड़ गया। मेरे प्रियो देखिए कितना अंतर है अनुवाद में। हिंदी में लिखा है उसका चेहरा उदास हुआ, क्रोध के कारण उदास हुआ, और उर्दू बाइबल में लिखा है कि उसका चेहरा क्रोध के कारण बिगड़ गया। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये कितनी सच्चाई है जो उर्दू बाइबल में लिखी है। कई बार जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा चेहरे का शेप बिगड़ जाता है, हम बहुत ही बिगड़ा हुए चेहरे के साथ रहते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हम अलग अलग अनुवादों को इस्तेमाल करते हैं तो उस बाइबल के पदों का अर्थ कितना निखर के आता है। तो बहुत जरूरी है हम केवल हिंदी भाषा तक सीमित ना रहें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा या मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप बाइबल को दूसरे भाषा में भी पढ़ें। हो सके तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी आप सीखें या अंग्रेजी बाइबल को इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाइबल के और भी अर्थ सामने निकल के आएंगे। तीसरा है भाषा शब्दकोश। आप किसी भी ऐसे शब्द का अर्थ खोजने के लिए शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप नहीं समझते हैं। आपके अध्ययन के समय के दौरान शब्दकोश, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी, सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जो आपके पास उपलब्ध है। शब्दकोश एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश है। शब्दकोश एक भाषीय हो सकता है या फिर द्विभाषिक हो सकते हैं या बहुभाषिक हो सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का एक शब्दकोश हो तो वो आपको हिंदी शब्द का अर्थ हिंदी में ही समझाएगा, लेकिन वो दो भाषा का भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप समझना चाहते हैं हिंदी का शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो आप उसको हिंदी अंग्रेजी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं हिंदी इंग्लिश और आप जो है मलयालम में उसको समझना चाहते हैं तो आप ऐसा शब्दकोश ले सकते हैं जिसमें ये तीनों भाषा उपलब्ध है। तो वो आपको एक ही शब्द के अर्थ तीनों भाषा में देंगे और आपको उसके अर्थ भी बताएगा। तो शब्दकोश एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जो बाइबल व्याख्या करने वालों के पास होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं ऐसे कोई शब्द आ जाता है जिसका अर्थ हमें नहीं मालूम, तो उसका अर्थ समझने के लिए हमें एक डिक्शनरी या शब्दकोश की जरूरत पड़ती है। अधिकतर शब्दकोशों में शब्द के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है, कोई भी शब्द किस प्रकार उसका उच्चारण है वो भी शब्दकोश में दिया गया है। चौथा औजार है बाइबल अनुवाद, जिसको हम कहते हैं बाइबल ट्रांसलेशंस। बाइबल अनुवाद तुलना और अध्ययन करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अंग्रेजी भाषा में तो बहुत सारे जो अनुवाद पाए जाते हैं, जैसे NIV, NRSV, जिसको हम कहते हैं न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्शन, NIV को हम कहते हैं न्यू इंटरनेशनल वर्शन, KJV, किंग जेम्स वर्शन,
एनएलटी, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, एम्पलीफाइड बाइबल इत्यादि बहुत सारे प्रकार के अनुवाद अंग्रेजी बाइबल में है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में बहुत ही कम अनुवाद है। जो बाइबल अधिकतर लोग हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा अनुवाद किया गया बाइबल है। लेकिन मैं आपके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए मैं सुझाव करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप अंग्रेजी बाइबल को भी इस्तेमाल करना सीखें। इसमें बड़ी कठिनाई की बात कुछ नहीं है, अगर थोड़ा परिश्रम किया जाए, अगर थोड़ा मेहनत किया जाए या किसी से मदद लिया जाए तो आप जरूर ऐसा कर सकते हैं। हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए एक अनुवाद आता है जिसका नाम है मछली बाइबल, और मैंने बहुत अपने अध्ययन में इसका इस्तेमाल किया है और मैंने देखा कि मछली बाइबल जो है बहुत ही अच्छा अनुवाद है हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए। अगर आप उसे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बाइबल और मछली बाइबल को तुलना करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मछली बाइबल का जो भाषा है वो बहुत ही साहित्यिक रीति से और बहुत ही शुद्ध हिंदी में दिया गया है। और अगर आप हिंदी भाषा में और बाइबल को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप उर्दू बाइबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या संस्कृत बाइबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा हथियार है बाइबल शब्दकोश, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बाइबल डिक्शनरी। बाइबल का अध्ययन करने के लिए बाइबल शब्दकोश एक उपयोगी संदर्भ उपकरण है। बाइबल शब्दकोश समझ को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान औजार है। बाइबल के भागों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ समझने के लिए ये बाइबल शब्दकोश बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के लिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते समय कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जिसका अर्थ आपको नहीं मालूम या आपको नहीं पता रहता है कि ये लोग कौन है। उदाहरण के लिए फरीसी, सदूसी, सामरी, ये सब लोग कौन है? फरीसी लोग कौन थे और ये किस प्रकार के लोग थे? सदूसी लोग कौन थे, ये किस प्रकार के लोग थे? समरिया कहाँ पर पड़ता है? समरिया और यरूशलेम की दूरी कितनी है? इस प्रकार की बातें, या फिर यरूशलेम, यरूशलेम शहर कैसा शहर था, कहाँ पर स्थित था, इन सब बातों की जानकारी आपको बाइबल पढ़ते समय नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको एक बाइबल डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। जब आपके पास एक बाइबल शब्दकोश होगा तो उसमें आप जाकर यरूशलेम, फरीसी, सदूसी, इस प्रकार के शब्द का अर्थ और गहरे से समझ सकते हैं। वहां पर आपके लिए एक सारांश दिया गया होता है जिसको पढ़ने के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इन शब्दों का अर्थ। एक बाइबल शब्दकोश आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी और बाइबल सामग्री को समझने के लिए एक छोटा गाइड देगा। बाइबल के प्रमुख शब्दों की पृष्ठभूमि समझने के लिए भी बाइबल शब्दकोश बहुत ही लाभदायक है। जैसे मान लीजिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं फसह का पर्व, तो आप सोचेंगे ये फसह का पर्व क्या होता है? आपने तो दिवाली सुनी है, होली सुनी है, लेकिन फसह का पर्व या फसह का त्योहार आपने कभी सुना नहीं है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो कैसे पता लगेगा? मेरे प्रियो, उसके लिए आपको बाइबल शब्दकोश की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप बाइबल शब्दकोश में जाएंगे, आप वहां पर ढूंढ सकते हैं फसह, और आपको फसह से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको बाइबल शब्दकोश में मिलेगा। और भी उदाहरण है, जैसे वाचाएं, बाइबल में कितनी वाचाएं हैं, परमेश्वर ने कितने लोगों के साथ वाचाएं की और उन वाचाओं का नाम क्या है, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा की, मूसा के साथ वाचा की, नूह के साथ वाचा की, और ये सब जानकारी आपको बाइबल शब्दकोश में प्राप्त होगा। इसमें पवित्र शास्त्र में पाए जाने वाले प्रमुख शब्दों की परिभाषा भी है। प्रमुख लोग और घटनाओं को समझने के लिए भी एक बाइबल शब्दकोश बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप अगर अब्राहम के बारे में पढ़ रहे हैं या आप मत्ती के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में और कुछ जानकारी, तो आप बाइबल शब्दकोश में भी जा सकते हैं जहां पर आपको इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो सकती है। या मान लीजिए आप उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़ रहे हैं और वहां पर आप सृष्टि के बारे में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं कुछ और बातों को समझना चाहता हूं सृष्टि से संबंधित, तो आप बाइबल शब्दकोश में जा सकते हैं। वहां पर आप सृष्टि शब्द खोज सकते हैं और आपको वहां पर बाइबल के आधार पर सृष्टि क्या है, कब हुई और कितने दिनों में हुई, ये सब जानकारी आपको बाइबल शब्दकोश में
प्राप्त होगा। ग्रीक और हिब्रू शब्दों के मूल अर्थ जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है उनको समझने के लिए भी बाइबल शब्दकोश बहुत ही लाभदायक है। छठवां जो औजार है उसका नाम है बाइबल कमेंट्री या बाइबल टीका। बाइबल टीका पवित्र शास्त्र के पद या अध्याय के अर्थ की व्याख्या करने वाला नोट्स की एक श्रृंखला है। बाइबल कमेंट्री बाइबल के एक भाग में प्रयुक्त भाषा की व्याख्या कर सकती है और यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा भी कर सकता है। बाइबल टीका ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में भी स्रोतों को और सूचनाओं में आपकी सहायता करता है। लगभग सभी टीकाएं धर्मशास्त्र की किसी ना किसी प्रणाली के संदर्भ में व्याख्या करने का प्रयास करती हैं। दूसरे शब्दों में टीका इस बात की व्याख्या है कि बाइबल कैसे एक साथ फिट बैठती है और इसका क्या अर्थ है। उदाहरण के लिए जब आप एक बाइबल टीका खोलेंगे और उसमें आप अगर यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे तो आपको यूहन्ना पहले अध्याय में जितने पद हैं उन सारे पदों के ऊपर आपको एक नोट्स मिलेगा, आपको एक कमेंट्री मिलेगी। वहां पर स्कॉलर्स जो है, बाइबल विद्वान जो है, वो उनके पाठों को वहां पर देते हैं और उसको पढ़ने के द्वारा यूहन्ना पहला अध्याय और पहले पद की जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने पुस्तक हैं, जितने आयत हैं, अगर आपको वहां कहीं भी किसी भी अध्याय और उसके पद में दिक्कत हो रही हो या उसका अर्थ आपको नहीं समझ पा रहे हो तो आप बाइबल टीका में जाकर उस पद को रेफर कर सकते हैं जहां पर बाइबल के विद्वानों ने आपके लिए कुछ नोट्स दिया है, कुछ जानकारी दी है जिसको पढ़ने के द्वारा उस पद का अर्थ आप समझ पाएंगे। बाइबल टीकाएं ज्यादातर दो तरीके से आते हैं। पहला, जो पुस्तक आधारित होता है, यानी कि बाइबल के एक एक पुस्तक पर वो टीकाएं होती हैं। दूसरा है समस्त बाइबल पर, यानी कि आपको एक ही टीका के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरे पुस्तकों का, अध्यायों का और पदों का आपको व्याख्या मिल जाएगी। बाइबल कॉन्कॉर्डेंस। बाइबल कॉन्कॉर्डेंस शब्दों को वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध करता है और प्रत्येक शब्द के सभी संदर्भ को एक साथ समूहित करता है। यह शब्द का अध्ययन करने में सहायक है। बाइबल कॉन्कॉर्डेंस का मतलब है सम अनुक्रमानिका। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी शब्द के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप उसको बाइबल कॉन्कॉर्डेंस में ढूंढ सकते हैं। यह शब्द का अध्ययन करने में बहुत ही सहायक है। यह आपको बाइबल पाठ में एक कुंजी शब्द के सभी बाइबल संदर्भ या सभी बाइबल रेफरेंस आपको दे देगा। मान लीजिए आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपने एक शब्द पढ़ा जो है अनुग्रह और आप चाहते हैं कि मैं अनुग्रह शब्द को और समझना चाहता हूं या फिर मैं जानना चाहता हूं कि यही शब्द बाइबल में और कहां कितनी बार आ चुका है, तो इस अध्ययन के लिए बाइबल कॉन्कॉर्डेंस आपका बहुत ही ज्यादा सहायक औजार है। आप बाइबल कॉन्कॉर्डेंस में जाएंगे और आप वहां पर अनुग्रह शब्द ढूंढेंगे और जब आपको वो शब्द मिलेगा आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो आपको जानकारी देगा कि ये शब्द बाइबल में कहां कहां कितनी बार कहां कहां आया है। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अनुग्रह शब्द बाइबल में कहां कहां आया है, पहले से किसी बाइबल विद्वान ने आपके लिए इसका अध्ययन किया है। आपको केवल उस बाइबल कॉन्कॉर्डेंस का इस्तेमाल करके उस शब्द के द्वारा आप उसके पूरे सूची को आप ढूंढ सकते हैं। यह पद ढूंढने में भी सहायक है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है हम किसी पद को याद करने की कोशिश करते हैं और हमें याद नहीं आता कि उसका अध्याय कौन सा है और उसका रेफरेंस कौन सा है, तो बाइबल कॉन्कॉर्डेंस आपको इस काम में बहुत ही सहायक एक उपकरण है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए मैं देना चाहता हूं। मान लीजिए मैं सोच रहा हूं मार्ग सत्य जीवन, ये पद मैंने कहीं देखा है, कहीं सुना है, मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि ये वचन कहाँ पर है। अगर मैं बाइबल कॉन्कॉर्डेंस में जाऊं और मैं सत्य को ढूंढूं या मैं जीवन को ढूंढूं, कोई भी एक शब्द जो उस पद के अंदर था, तो मैं सीधा सीधा उस शब्द को ढूंढूंगा और उसके द्वारा मुझे पता चल जाएगा कि ये वचन जो मैं ढूंढ रहा हूं वो यूहन्ना 14 उसके 6 में है जहां पर यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं।
यह चरित्र अध्ययन के लिए भी बहुत सहायक है। आप बाइबल कॉन्कॉर्डेंस के मदद से बाइबल के एक व्यक्ति पर चरित्र अध्ययन विकसित कर सकते हैं। बाइबल कॉन्कॉर्डेंस के मदद से उस एक व्यक्ति पर दिए गए सभी बाइबल संदर्भों को पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं मूसा के ऊपर अध्ययन कर रहा हूं या पत्रस के बारे में अध्ययन कर रहा हूं और बाइबल कॉन्कॉर्डेंस आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वो सारे पद देगा मूसा से संबंधित या पत्रस से संबंधित। आपको खुद से अध्ययन करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बाइबल कॉन्कॉर्डेंस में जाएंगे वो आपको सारे पद देगा उस व्यक्ति से जुड़े हुए जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। बाइबल कॉन्कॉर्डेंस विषयगत अध्ययन करने में भी सहायक है। बाइबल के किसी भी विषय से संबंधित पदों को खोजने के लिए भी बाइबल कॉन्कॉर्डेंस का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं एक विषय लेता हूं, उद्धार। अगर मुझे उद्धार इस विषय पर अध्ययन करना है उसके लिए भी मैं बाइबल कॉन्कॉर्डेंस का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मुझे बाइबल के पद ढूंढने हैं कि कहां कहां उद्धार के बारे में बाइबल में रेखांकित किया गया है तो मैं बाइबल कॉन्कॉर्डेंस की मदद से आराम से मैं ये सारे पद ढूंढ सकता हूं और मुझे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उद्धार से संबंधित सारे रेफरेंस सारे पद मुझे मिल जाएंगे। आखिरी उपकरण है क्रॉस रेफरेंस और मैं चाहता हूं कि आप उसे इसी तरह याद रखें, वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस ऐसे ग्रंथ है जिनमें एक ही शब्द का प्रयोग एक ही तरह से अलग पदों में किया जाता है। इसका मतलब ये है एक ही शब्द बाइबल के अलग अलग पदों में कैसे इस्तेमाल किया गया है वो आपको क्रॉस रेफरेंस के द्वारा पता चल सकता है। शास्त्रों में अनेक विषयों को बार बार दोहराया गया है। क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करके एक अध्ययन करने वाला बिना किसी अतिरिक्त टिप्पणी के किसी विषय के बाइबल उपचार का अनुसरण कर सकता है। एक क्रॉस रेफरेंस में दो अलग अलग पदों में एक समान विषय होता है। क्रॉस रेफरेंस आपकी मदद करता है बाइबल के अलग अलग भागों में पाए जाने वाला एक समान शब्दों या विचारों को ढूंढ निकालने में। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण, पौलुस ने रोमियो 1:17 में लिखा है, क्योंकि उसमें विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है और जैसा लिखा है कि धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। बाइबल में रोमियो 1:17 पर एक क्रॉस संदर्भ है जो कि हबाकुक 2:4 और गलातियों 3:11 में भी पाया जाता है, जहां पौलुस हबाकुक 2:4 को उद्धृत करता है जो कहता है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो पद प्रयोग है, धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे, ये सेम पद जो है, ये सेम विचार जो है, रोमियो 1:17 में पौलुस इस्तेमाल करता है और उसके बाद पौलुस उसी को गलातियों 3:11 में भी दोहराता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो हबकुक 2:4 का क्रॉस रेफरेंस आपको रोमियो 1:17 और गलातियों 3:11 में भी मिलेगा, जहां पर एक ही विचार को तीन जगहों पर इस्तेमाल किया गया है और इस संदर्भ में वो क्या है, धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि ये क्रॉस रेफरेंस मुझे कैसे मिलेगा। अधिकतर बाइबल जो हम पढ़ते हैं वो सारे बाइबल जो है क्रॉस रेफरेंस के साथ ही आता है। अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो उसके ऊपर या नीचे या बगल में आपको नोट्स दिया जाएगा जहां पर उस क्रॉस रेफरेंस को मेंशन किया जाता है। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, लूका 14 उसका 26वां पद। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, इसको ध्यान दीजिएगा, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। और यही पद प्रयोग मत्ती 10:37 में भी किया गया है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। लूका 14:26 में लिखा है कि वह अपने प्राण को अप्रिय ना जाने, और वही शब्द मत्ती 10:37 में भी लिखा है कि वो अपने माता पिता को
ज्यादा प्रिय न जाने। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग मत्ती 10:37 में और लूका 14:26 में लगभग एक ही विचार दिया गया है, एक ही आइडिया दिया गया है। इसीलिए आपको लूका 14:26 में मत्ती 10:37 का एक क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, मतलब इन दोनों पदों में कुछ समान शब्दों का या विचारों का उपयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण है मत्ती 10:34, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने को आया हूं, मैं मिलाप करने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। और उसके बाद अगर आप लूका 12 उसका 51 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं, मैं तुमसे कहता हूं नहीं वरन मैं अलग करने आया हूं। मत्ती 10:34 में लिखा है मैं तलवार चलाने आया हूं और यहाँ पर लिखा है मैं अलग करने आया हूं। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि मत्ती 10:34 का ये पद और लूका 12:51 दोनों क्रॉस रेफरेंस है, मतलब दोनों पदों में एक समान विचार और एक समान शब्द पाए गए। और जब आप उसको तुलनात्मक रीति से अध्ययन करेंगे और उसके संदर्भ को समझेंगे तो आप उसके अर्थ को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि बाइबल के जो औजार है, ये 8 औजार हैं, ये जो 8 हथियार हैं, ये कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम बाइबल के कुछ भागों का अर्थ कभी भी असल रूप से समझ नहीं पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन को आपने समझा है और आने वाले दिनों में आप इन उपकरणों को अपने पास उपलब्ध कराएंगे ताकि उनके इस्तेमाल के द्वारा आप और गहरे रीति से बाइबल को समझने पाएंगे और सिखा पाएंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।